हेलो गाइस, बी एग्रीटेक चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपीएमसी की कोराजन के बारे में। कोराजन की फुल डिटेल जानकारी मिलने वाली। कोराजन को हमारी फसल में कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए तथा किस समय उपयोग करना चाहिए तथा कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करती है तथा उसके रीजन हमें कितने दिन तक दिखाई देते हैं, हाँ सारी फुल डिटेल जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत सारे किसान भाइयों को क्या है पता नहीं होता कि कोराजन का हमें कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। दवाई लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार ने पूछते तो दुकानदार क्या करता है कि उनको दवाई का डोज बढ़ाकर ही किसानों को देता है। उसका होता क्या है, इल्लियाँ तो मरती है लेकिन किसान का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसान कर्ज जवान हो जाता है, क्योंकि दुकानदारों को क्या है कि उनकी दवाइयों को बेचना होता है, इसलिए यहाँ डोज को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। और किसान बहुत सारी दवाइयाँ टमटम एक साथ में मिलाकर किसान को 4 से 5 हज़ार का बिल बनाकर थमा देते हैं। इससे किसान का खर्चा खेती में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसान दुकानदार का कर्ज जवान हो जाता है। इसलिए किसान साथियों, अब आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर सभी प्रकार की दवाइयों की मात्रा के बारे में, सभी प्रकार की कीट के बारे में, सभी तरह की फुल डिटेल जानकारी मिलती है और सभी तरह की फसल के बारे में फुल डिटेल जानकारी आपको मिलती रहती है। समय समय पर एपीएमसी की बहुत ही फेमस और जाने मान दवाई है, ज़्यादातर किसान उसका उपयोग करते हैं तथा उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। बहुत ही किसानों को द्वारा मन पसंदा दवाई एपीएमसी के कोराजन की बात करें हम, उसके उपयोग के बारे में, उसका उपयोग हमें कब करना चाहिए, उसके उपयोग की बात करें तो उसका उपयोग हम तब करना चाहिए जब हमें उससे छोटे बनाने वाली छोटी दवाई का उपयोग कर चुके हैं जिससे इल्लियाँ कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद हमें कोराजन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इस पर हम कोराजन का उपयोग करते हैं तो सेकेंड स्प्रे में इससे भी ऊंची ब्रांड की हमें आवश्यकता होती है जिससे इल्लियाँ कंट्रोल होती है। इसलिए कोराजन से पहले आपको एक डोज कर देना, उसके बाद हमें कोराजन का उपयोग करना चाहिए। तब बात करें तो उसके उपयोग की मात्रा के बारे में, तो अगर आप प्रति एकड़ के हिसाब से कर रहे हैं तो उसका उपयोग 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में आपकी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप उसका 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इल्लियाँ बहुत ज़्यादा ही मात्रा में लग चुकी हो तो आप उसका डोज भी बढ़ा सकते हैं। आप उसका डोज बढ़ाकर आप 10 से 15 मिली प्रति पंप के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। हम बात करें यहाँ कौन कौन सी इल्लियाँ को कंट्रोल करती है, तो सभी प्रकार के इल्लियों को हाँ कंट्रोल करती है, आपके छोटी सभी प्रकार के लिए। अब उसके बाद का रिजल्ट टाइप किए तो उसका रिजल्ट टाइम जो बारिश के समय थोड़ा सा कम दिखाई देता है, क्योंकि समय उसका रिजल्ट का अच्छा खासा हमें दिखाई देने मिला है। रिजल्ट देखा जाए तो लगभग 20 से 25 दिन उसके बारिश के समय रिजल्ट मिले हैं। अगर आप इन मूँगफली की फसल में उसका उपयोग कर रहे हैं तो अगर आप उसका समय कौन सी फसल पर आप कर रहे हैं तो उस समय उसका रिजल्ट अच्छा खासे देखने को मिलते हैं। 30 से 35 दिन तक भी उसके रिजल्ट देखने को मिले। हम बात करें उसके उपयोग से किसानों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके उपयोग के बाद किसानों को क्या है कि कोराजन का लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा तथा किसान का खर्च भी कम होगा, क्योंकि अगर अन्य दवाई करते हैं तो उसके बाद में फिर उसको दूसरी दवाई का उपयोग करना होता है। अगर आप एक बार कोराजन का उपयोग करते हैं तो हम अन्य कौन सी दवाई का उपयोग आपको लंबे समय तक नहीं करना होगा, सबसे बेस्ट बेनिफिट उसका कोराजन का यही है। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।